Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about properties of magnet. In that, we have discussed four properties of magnet. Today, we are going to start about magnetic compass, demagnetization, and uses of magnet. Let's start with magnetic compass. A magnetic compass is an instrument used to find a direction. Magnetic compass ka use kiske liye kiya jata hai? Direction find karne ke liye. It consists of small bar magnet in form of needle enclosed in a small box having a glass top. ये आपको यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास दिखाया है जिसमें स्मॉल बार मैग्नेट होता है, बीच में नीडल होती है जो बीच में सफिक्स होती है और इस ये जो फोर साइड है उस रोटेट कर सकती है, सेंटर एरिया में से वो फिक्स होता है और ऊपर की साइड ग्लास का टॉप जो टॉप लेयर होता है वो ग्लास का होता है. द नीडल इज फ्री टू मूव अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर में ही फिक्स होता है, बाकी वो सारे डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है. The base of box is marked with direction like north, south, east, west, north east, northwest, southeast and southwest. और जो base होता है magnetic compass का उसमें north, south, east, west, north east, northwest, southwest and southeast. देखो यहाँ पे सब marking किया है, right? North east, फिर northwest, southeast, southwest. राइट. तो यहाँ पे बेस जो मैग्नेटिक कंपास का बेस होता है वहाँ पे ये डायरेक्शन मार्किंग किया होता है. नेक्स्ट, मैग्नेटिक कंपास इज ऑफ ग्रेट यूज ऑफ ट्रैवलर एंड नेविगेटर एट इट टेल देम द डायरेक्शन इन विच दे आर ट्रैवल. मैग्नेटिक कंपास का यूज ज़्यादा जो ट्रैवलर्स है जिसको रास्ते नहीं पता होता है तो ट्रैवलर्स यूज करते हैं. नेविगेटर्स है ओके, अगर वो पानी में जाते हैं तो पानी में तो कहीं पे बोर्ड नहीं लिखा होता है, हम रास्ते पे जाते हैं तो वहाँ पर तो बोर्ड लिखा होता है, राइट. यहाँ से 2 किलोमीटर जामनगर है या भावनगर 4 किलोमीटर है, राइट. तो नेविगेटर है, ट्रैवलर्स है, वो मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. द मैग्नेटिक कंपास वर्क ऑन अ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. मैग्नेटिक कंपास कौन सी प्रॉपर्टी के वर्क करेगा? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मैग्नेट की, राइट. कीप द कंपास एट प्लेस वेर यू विश टू नो डायरेक्शन. आपको जिस आपको कहाँ पे रखना है मैग्नेट, जिस डायरेक्ट आपको जिस साइड डायरेक्शन फाइंड करनी है, राइट. अगर अननोन है, राइट, हम रास्ते पे जा रहे हैं कहीं पे बोर्ड नहीं है, तो आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है या वेस्ट है. ओके, व्हेन द नीडल ऑफ कंपास कम टू रेस्ट इट इंडिकेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जब नीडल रेस्ट पोजिशन में होता है कंपास में तो वो कौन से डायरेक्शन में रहता है? नॉर्थ साउथ. तो ऑब्वियसली अगर नॉर्थ साउथ पता चलेगा तो हमें उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ईस्ट एंड वेस्ट पता चल जाएगा. नेक्स्ट, एक्टिविटी 5, टू मेक अ मैग्नेटिक कंपास. आप घर पे भी मैग्नेटिक कंपास बना सकते हो. उसके लिए स्विंग नीडल, अ बार मैग्नेट, कॉर्क एंड कॉप चाहिए. मैग्नेटाइज अ स्विंग नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. हमने जो आगे किया था, आपको नीडल को मैग्नेटाइज करना है, मींस उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट. मेकिंग अ मैग्नेट ऑन अ पेज नंबर 124. पास द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉक. अभी ये जो रबर का कॉक होता है वहाँ से नीडल पास करनी है. प्लेस दिस कॉक कंटेनिंग अ मैग्नेटाइज नीडल इन अ कप कंटेनिंग अ वाटर. एक कप लेना है जिसमें पानी फिलअप करना है और ये जो कॉक है उसके ऊपर रखना है जिसमें से हमने नीडल पास की है. मेक श्योर दैट नीडल डज नॉट टच अ वाटर. आपको ये ध्यान रखना है कि नीडल है वो पानी को टच नहीं करना चाहिए. व्हेन द नीडल कम टू रेस्ट इट पॉइंट अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जब वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा तब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा. इट मीन्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. रोटेट द कॉक विद द नीडल इंसर्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. फिर यहाँ से कॉक को रोटेट करना है तो नीडल भी रोटेट करेगी. नॉट द डायरेक्शन ऑफ नीडल इन विच कम टू रेस्ट. और फिर जब वो फिर से रेस्ट में आता है तो कौन से डायरेक्शन में रहता है वो आपको नोट करना है. ऑब्जर्वेशन, यू ऑब्जर्व दैट नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. व्हेन कॉक स्टॉप रोटेटिंग मैग्नेटिक कंपास रेडी टू यूज. जब रोटेट करना बंद कर देगा कॉक तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कंडीशन में रहता है, राइट. तो ये हमारा मैग्नेटिक कंपास रेडी है जो हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो. नेक्स्ट वन, डीमैग्नेटाइजेशन. मैग्नेट लॉस देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हिटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट. दिस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेट इज सेड टू बी डीमैग्नेटाइज्ड. मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है जब आप उसको हिट करते हो, हैमर्ड करते हो या ऊपर से गिराते हो, राइट. तो उसको बोला जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन और उस मैग्नेट को बोला जाएगा डीमैग्नेटाइज. उसका जो मैग्नेटिक पावर होता है वो लॉस हो जाता है. नेक्स्ट, स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट को आप स्टोर करके कैसे रख सकते हो? अ परमानेंट मैग्नेट टेंड्स टू लूज इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर सम टाइम इफ़ इट इज़ नॉट स्टोर प्रॉपरली. जो परमानेंट मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक पावर है वो लॉस कर देगा कुछ टाइम के बाद अगर आप उसको प्रॉपरली स्टोर करके नहीं रखोगे तो. दिस इज नोन एज अ सेल्फ
डिमैग्नेटाइजेशन, जिसको बोला जाता है सेल्फ डिमैग्नेटाइजेशन, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया, बट स्लोली स्लोली आपने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया है, इसलिए मैग्नेटिक पावर लूज हो जाता है। सो इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर मैग्नेटिक केयरफुली, राइट। इसीलिए मैग्नेट को आपको प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए। बार मैग्नेट आर ऑलवेज स्टोर इन अ पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। बार मैग्नेट को आप जब स्टोर करके रखो तब अनलाइक पोल है वो सेम साइड पे आना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको दिखाया है, ये मैग्नेटिक की पर है और ये दो पॉइंट है, यहाँ पे बीच में वुडन पार्टीशन होता है, तो आप जब स्टोर करके रखो तो अनलाइक पोल है वो सेम साइड आना चाहिए। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई अ पीस ऑफ वुड। टू बार्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर। ये सॉफ्ट आयरन होता है जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक कीपर, राइट। तो ये यहाँ पे आपको जब भी स्टोर करके रखो तब अनलाइक पोल को ही साथ में रख के स्टोर करना चाहिए। मैग्नेटिक कीपर आर केप्ट अक्रॉस देयर एंड। इन द केस ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट अ सिंगल पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज केप्ट टचिंग बोथ पोल ऑफ द मैग्नेट। बट अगर हॉर्स शू का मैग्नेट है तो उसका उसके लिए सॉफ्ट आयरन सिंगल टच मैथड से ही यूज। देखो आपको यहाँ पे दिखाया है, राइट। ये मैग्नेटिक कीपर है जिसमें आप सिंगल आयरन बार यूज कर सकते हो, राइट। क्योंकि दोनों पोल्स उसमें टू ही पोल्स हो गए तो वो अनलाइक पोल्स ही पास में रहेगा, राइट। तो ये बार मैग्नेट को ऐसे पेयर में स्टोर करके रख सकते हो एंड हॉर्स शू मैग्नेट को सिंगल मैग्नेटिक कीपर होता है जो आयरन बार होता है उसमें स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट वन, यूजेज ऑफ मैग्नेट। मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर है पावरफुल मैग्नेट। आप मोटर है, कौन से मोटर जो आप पानी चढ़ाने के लिए ऊपर पानी के लिए हम यूज़ करते हैं ना, नीचे से अगर ऊपर पानी को शिफ्ट करना है तो, राइट। तो वो मोटर्स है। इसके अलावा आप व्हीकल्स में जो मोटर यूज़ की जाती है, जनरेटर्स है, लाउड स्पीकर है, उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। और स्क्रैप यार्ड मैग्नेट आर यूज टू सेपरेट आयरन स्टील फ्रॉम अ जंक मटेरियल। इसके अलावा स्क्रैप यार्ड जहाँ पे भंगार डाला जाता है, कचरे में से अगर स्टील या आयरन सेपरेट करना है, राइट, जंक मीन्स जो कचरा होता है, तो उसमें से सेपरेट करना है आयरन एंड स्टील को, तो मैग्नेट यूज़ किया जाता है। डेटा, साउंड, इमेजेस आर स्टोर इन स्पेशल सर्फेस कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल इन अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑडियो एंड वीडियो टेप। इसके अलावा जहाँ पे आपको इमेजेस है, साउंड है, डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए स्पेशली मैग्नेटिक मटेरियल्स आता है जो कोटेड होता है, लाइक चिप आता है, राइट। जो आपने सीडी यूज़ करते हो, फ्लॉपी डिस्क है, ऑडियो है, वीडियो टेप है, राइट, उन सब ने मैग्नेटिक कोटिंग किया होता है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन मैग्नेटिक स्ट्रिप, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, एयरलाइन टिकट्स। इसके अलावा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो अभी नाउ डेज क्रेडिट कार्ड में, एटीएम कार्ड में पता है पीछे में, आपको पता है पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, राइट, मैग्नेटिक चिप होती है, तो नाउ डेज उसमें भी यूज़ किया जाता है। मैग्नेट आर यूज इन मैग्नेटिक कंपास दैट यूज बाई सेलर्स टू फाइंड अ डायरेक्शन। इसके लिए मैग्नेट का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, मैग्नेटिक कंपास में, जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सेलर्स यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 13 ख़त्म होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड एक इंफॉर्मेशन दी गई है, रोबोटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन सम रॉबर्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है रॉबर्ट्स में एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट अराउंड विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको सेवन स्टैंडर्ड में स्टडी करना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करेगा, राइट। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे। दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल हैज लीड टू अ इन्वेंशन ऑफ आइटम यूज टू डिजाइन अ रॉबर्ट। हमें कौन सा पर्पज है उसके हिसाब से रॉबर्ट का डिजाइनिंग किया जाता है। रॉबर्ट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर पिकिंग अप मेटल पार्ट्स। रॉबर्ट का यूज मेटल पार्ट्स को पिक करने में। When the power supply switch on, the robot arm lift object without using a grippers. जब आप स्विच ऑन करोगे तो उसके आर्म्स हैं वो लिफ्टिंग करेंगे, राइट। इट कैरीज द ऑब्जेक्ट अक्रॉस द यार्ड, ड्रॉप इट व्हेन पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ, राइट। तो आपको जंक यार्ड में ऐसे अगर सेपरेशन करना है मेटल्स का, तो आप जैसे स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास कर होगा, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा। फिर आप टर्न ऑफ कर दोगे पावर, तो फिर से ड्रॉप हो जाएंगे उसके आर्म्स, राइट। तो ऐसे ही वो वर्क करता है। जो हम हायर स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है वो स्टडी करेंगे, राइट।